हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी, मैं हूं अशफाक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निबंध। और आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आया, सर निबंध बताइए कैसे लिखना है, और गेस भी कर दे सर कि कौन कौन सा निबंध हमको पढ़ना है। तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखना, तरीका क्या लिखने का, क्योंकि देखिए लिखते तो हर कोई, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता है कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, अपने ढंग से उत्तर दीजिए। और जब आप अपने ढंग से उत्तर देते हो ना, तो एग्जामिनर को देखो, ऐसे नहीं कि कॉपी यूं ऐसे चेक कर देता है, जरूर उसको नजर तो जरूर जाती है ना, उसकी आंखें तो जरूर जाती है कि बच्चा लिखा कैसे, क्या सभी ने एक जैसा छाप दिया रटा हुआ माल के जैसा, या कुछ बच्चा ने लिखा है, हेडिंग डाला है, मेन पॉइंट डाला है कि नहीं डाला, ये जरूर चेक करता है। और निबंध मैं बताऊं, ये निबंध आपके एग्जाम में 9 नंबर अगर मिल गया ना, निबंध 10 नंबर का था, 9 नंबर अगर मिल गया तो सबसे अच्छा निबंध का नंबर मिलता है। 9 नंबर जितना अच्छा लिखे 9 नंबर मिलता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और 9 नंबर किसी का अगर 59% है ना बाबू, किसी का 59% अगर आ रहा, तो इस 9 नंबर पूरे रिजल्ट का 2% बनता है, पूरे रिजल्ट का 2%। अब सोचो लगभग 2%, तो अगर इसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन आ सकते हो, डायरेक्ट उछाल आ जाएगा तुम्हारे रिजल्ट में, डायरेक्ट उछाल आ जाएगा। तो निबंध कितना जरूरी है आप सोच नहीं सकते। अच्छा निबंध देता है क्यों, आप सेम टू सेम किताब से पढ़ के रट के कर दोगे ना तो कोई मजा नहीं आएगा। निबंध देता है इसलिए कि जांचे कि बच्चा इस बारे में क्या सोचता है, भ्रष्टाचार के बारे में बच्चों के पास क्या क्या बातें आ रही है, बेरोजगारी के बारे में क्या क्या लोग सोच रहे हैं, क्या लिखते हैं, अलग अलग का सोचने का नजरिया क्या है, क्या फायदा है, पुस्तकालय का क्या काम है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो ये जो है ना जानना चाहता आपसे कि लिखिए खुद से, किताबी भाषा लिखेगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ पढ़ेंगे उसको जरूर, नॉलेज जरूर लेंगे कि क्या फायदा, लेकिन लिखेंगे अपने ढंग से, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे अपने ढंग से लिखना, और कुछ निबंध हम गेस भी कर देंगे, गेस कर देंगे, और में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में वो आ सकता है, ठीक है। देखिए पहले जाने, निबंध का तीन पार्ट होता है। पहला होता है प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना पहला पार्ट हो गया। और दूसरा होता है मध्य भाग, इसके बीच में बहुत सारा पार्ट होता है, लाभ हो गया, हानि हो गया, ठीक है ना, कारण है, कुछ बहुत सारा आएगा। फिर लास्ट होता है उपसंहार, ये आपको पता होगा उपसंहार, ठीक है ना। प्रस्तावना में जस्ट लाइक जो है उसके बारे में डिफाइन करना, डिफिनेशन बताना, जैसे पुस्तकालय आ गया तो पुस्तकालय किसे कहते हैं, मतलब एक मेन पॉइंट बताना, पुस्तकालय के बारे में जानकारी देना, पुस्तकालय के बारे में निचोड़ बताना, है ना। मतलब ट्रेलर समझते ना, ट्रेलर मूवी का, बड़का मूवी 2 घंटा 3 घंटा का मूवी, एक 30 सेकंड का वीडियो, या तो फिर 1 मिनट की वीडियो में समझ में आता कि पूरे मूवी का क्या हो सकता है इसमें, तो इसका ट्रेलर मतलब बताने के लिए कि डिफाइन करना है उसके बारे में, वो क्या है, सवाल बता रहे क्या है, विद्यालय क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, तो इसको डिफाइन करना प्रस्तावना में। उसका मध्य भाग जो रहेगा, मध्य भाग लिखना है, लाभ हानि जो भी रहेगा। उसका उपसंहार में हमको बताना यह है कि उपसंहार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक सजेशन, है ना, हमको ये करना चाहिए, इसमें ये गलती है तो इसको सुधारना चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन हमको बनाना कैसे, तो एक बात याद रखें, पहले 3-4-5 साल पहले जब एग्जाम होता था, बोर्ड एग्जाम, तो खुद डायरेक्ट बोल देता था भाई पुस्तकालय पे लिखिए निबंध। अब बच्चा के पास खुद दिमाग में सोचना पड़ता था क्या क्या पॉइंट बनाए लिखने के लिए, लाभ, दिमाग में पॉइंट नहीं आता था क्या क्या पॉइंट बनाए। लेकिन अब तो शुक्रिया अदा कीजिए बोर्ड वालों का, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी देता है निबंध लिखने के लिए उसका पॉइंट दे देता नीचे, और जब पॉइंट देता तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि पॉइंट जब दे दिया तो आप खुद से वहां पर पॉइंट लिख के, जैसे मान लीजिए दे दिया लाभ, तो लाभ लिख के लाभ के बारे में बता देंगे, लिख देगा हानि तो हानि लिख के हानि के बारे में चर्चा कर देंगे। लेकिन अगर आपके पॉइंट नहीं दिया है एग्जाम में, अगर ना दिए तो क्या करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब 3 पॉइंट हो गया, अब समझे इसका सबसे पहला, जब भी लिखने का रहेगा, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं पुस्तकालय, ठीक है ना, पुस्तकालय, देखिए ध्यान समझिए, पुस्तकालय दे दिया, अब अगर इसके बाद पॉइंट नहीं दे तो पॉइंट निकालेगा। लेकिन फिलहाल बोर्ड एग्जाम में जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, एक दिया हुआ बोर्ड एग्जाम पुस्तकालय के बारे में लिखना है, तो क्या क्या भूमिका, क्या क्या है भूमिका, भूमिका को ही बोलते प्रस्तावना, ठीक है ना, भूमिका को ही बोलते प्रस्तावना, भूमिका के बारे में लिखना है। उसके बाद महत्व बताना, इसका क्या महत्व है, उसके बाद बताना, तीसरा नंबर यहां पे बताना है इसका प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, चौथा बताना है कि इसके लाभ क्या है, है ना, और पांचवा बताना है उपसंहार, देखिए उपसंहार, ठीक है ना, ये 5 पॉइंट हो गया, समझिए ध्यान से। तो भूमिका में बताया, भूमिका मतलब प्रस्तावना, डिफाइन करना है,
पुस्तकालय किसे कहते हैं। ये हो गया बीच वाला पार्ट हो गया मध्य भाग और लास्ट में उपसंहार। तो देखो अब पुस्तकालय से कोई तो नुकसान होता नहीं है तो आपको हानि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जिसके एग्जाम बोर्ड में ये वाला नहीं आता है तब खुद से पॉइंट बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के एग्जाम में बिहार बोर्ड में खा सकते देखा ये जाता है कि देता है और पांच गो या छह गो जो भी पॉइंट देता है इस पॉइंट का लिखना है। अब एक बात याद रखिए अगर मैं भूमिका लिख रहा हूं तो सिर्फ भूमिका के बारे में बातें बताना है, ऐसे नहीं भूमिका में लाभ हानि सब घुसा देंगे, नहीं भूमिका में सिर्फ भूमिका के बारे में बताना, उसका डिफाइन करना है ठीक। उसके बाद महत्व लिखना है तो सिर्फ महत्व के बारे में बताना है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, उसमें लाभ नहीं घुसा देंगे हम, विशेषता तो विशेषता बताएंगे महत्व बताएंगे। और जब कितने प्रकार के होते हैं तो प्रकार का नाम बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं, लाभ है तो लाभ बताएंगे, उपसंहार तो उपसंहार बताएंगे ठीक है ना। लेकिन इसको क्या हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसा है, जैसे आपका मान दो ये बोर्ड आपका कॉपी है ठीक है ना, और आपको लिखना है पुस्तकालय पे तो हेडिंग में डाल दीजिएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय हेडिंग डाल दिया, यहां पर अंडरलाइन चाहो तो आप दूसरा कलम से ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। उसके बाद सबसे पहले यहां पे लिखना है रूपरेखा, क्या लिखना है रूपरेखा, रूपरेखा में देख लेना आपको क्या, आप समझो रूपरेखा होता क्या, रूपरेखा जस्ट लाइक आपका कॉपी, कैसे कोई कॉपी है तो किताब, ये मान लो कोई किताब है तो किताब खोलते हैं ना, तो खोलते हैं तो यहां पे सारा चैप्टर का नाम दिया रहता है, उसके बाद चैप्टर वाइज नाम के वाइज जो अलग अलग चैप्टर बना होता है। इसी प्रकार यहां पे भी रूपरेखा में कौन कौन पॉइंट दिया है, यहां पे पॉइंट दे देंगे तो कौन कौन पॉइंट था, पहला पॉइंट था भूमिका है ना, तो हम लिख देंगे भूमिका ओके। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, ऐसे लिखना है, ये आपका मतलब लाइनिंग है कॉपी का। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, महत्व था ना, चलो महत्व जो भी है पॉइंट आपका महत्व हो गया। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, लाभ है तो लाभ लिख देंगे है ना। चौथा पॉइंट आपका अगर प्रकार है तो प्रकार डाल देंगे ओके। पांचवा पॉइंट आपका उपसंहार है तो उपसंहार डाल देंगे, उपसंहार डाल देंगे ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका हेडिंग, ये हेडिंग हेडिंग का सब हेडिंग है ना, हेडिंग सब हेडिंग इसके अंदर गए। अब सबको एक एक करके लेके हमको लिखना है। अब हो गया, अब पहला यहां पे उठाएंगे और पहला क्या है, भूमिका 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 लिख के ऐसे कर रहे हैं और आपको लिखते जाना लिखते जाना लिखते। मान लेते आपको कॉपी यहां तक है ना, यहां खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ पूरा। लेकिन आपको ध्यान देना ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग सोचेगा एकदम सेम लाइन से हमारा लिखने वाला जाए, मतलब ऐसा नहीं कोई वर्ड यहाँ छोड़ दिए तो इतना खाली है, कोई इतना छोड़ दिए तो इतना खाली, गड़बड़ लग रहा है देखने में, तो सेम जाए। अब जैसे खत्म होगा फिर आपको इसके सामने से शुरू करना है, यहाँ से यहाँ से शुरू करना है, खत्म होगा यहाँ शुरू करना है, मानते यहाँ पे खत्म हो गया तो फुल स्टॉप। तो ये आपको करना है, भूमिका लिखना है, फिर महत्व लिखना है, फिर लाभ लिखना है, फिर प्रकार लिखना है, फिर उपसंहार लिखना है। तो इसके बारे में खुद से लिखना है, खुद से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बोर्ड वाला चाहता है कि आप खुद का नजरिया पेश करो, खुद का नजरिया। अभी नजरिया खुद का कहां से आ गया था, हम पढ़ने के कैसे मालूम होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, किताब है गाइड में दुनिया भर का दिया हुआ है ना, उसको पढ़िए एक मतलब अपने दिमाग में हमको जानना है पढ़ना है, जानते हैं क्या होता भाई क्या होता क्या होता, पढ़ते हैं नेट पे देखते हैं ये करते हैं, जान गए मैटर समझ के क्या महत्व है क्या खूबी है। अब उसको अपना मन से अपने लैंग्वेज में समझा के लिख देना है ओके। तो एक तो ये हो गया, अगर इसमें एक भूमिका हो गया, महत्व हो गया, लाभ हो गया, प्रकार उपसंहार लास्ट में पूरा ऐसे लिख देना है। इसके बाद ये और भी जोरदार कैसे बनेगा, ये जोरदार आपका निबंध और बनेगा कब, जब इस निबंध में आप कोई मुहावरा यूज कर लेंगे है ना, मुहावरा होता ना, मुहावरा यूज करके मुहावरा रहेगा दिन दुगना रात चौगना है ना, उसने बिल्ली को देखा 9:11 हो गया, मुहावरा होगा 9:11 हो गया है ना। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी क्या बोलते हैं पांच उंगलियां घी में हो जाएंगी, या तो हाथ में लड्डू होगा, जो मुहावरा वर्ड होता है तो मुहावरा वाला वर्ड लिख करके आपको आई डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देना है या तो फिर अंडरलाइन कर देना है। तो इससे होगा कि एग्जामिनर का जैसे नजर जाएगा ना, बोले वाह क्या बंदे ने दम है यार लिखा मस्त तरीके से, नंबर मिलेगा 4 के 9 नंबर मिलेगा हर हाल मिलेगा। लेकिन वो तरीका ये तरीका रहेगा ऐसे लिखने का तब। इसके बाद मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया ना, लोकोक्ति हो गया है ना, लोकोक्तियां हो गया, तो ये सब रहेगा, लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया। अगर किसी ऐतिहासिक के बारे में लिख रहे जैसे स्वतंत्रता दिवस तो डेट हो गया, दिनांक हो गया, हिस्ट्री वाला डेट हो गया है ना, तो ये सब अगर आप इसमें डालते हो तो आपका बहुत बेस्ट रहेगा। समझा के कैसे लिखना है, दिमाग कॉपी में नोट कर लेना कि रूपरेखा लिखना है, जैसे हेडिंग बना हेडिंग का सब हेडिंग और इस सब का एक एक करके एक्सप्लेन करना है, ये आपका बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। चलिए आप आपको लिए तो मैंने गेस किया ना वो मैं लिख रखा है और मैं लिख देता हूं, मे भी ऐसा नहीं कि कोई जरूरी इच्छा लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या मैं लिखा हूं। जैसे पहला मैं लिखा हूं बेरोजगारी, 10 में लिखा हूं
है ना। अब बोले सर 10 लिख लिए सर, 5 को देते तो हम तो वो क्या बोलते हैं, नजूमी नहीं है ना, या तो फिर बोर्ड एग्जाम में तो बैठे हुए नहीं है। लेकिन इतना है जो आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट। भ्रष्टाचार चार, ठीक है ना, दूसरा हो गया। तीसरा लिख लीजिए प्रदूषण, बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पढ़ना है इसके बारे में, है ना। इसके बाद आतंकवाद, जो कि बहुत ज्यादा भी चला हुआ है जी आतंकवाद, ठीक है ना। फिर पांचवा आप लिखते पुस्तकालय, पुस्तकालय तो छोड़ दिया, पुस्तकालय ओके। फिर छठा आप लिख लीजिए यहां पे हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय, है ना। फिर सातवां आप लिख लीजिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। फिर आठवां लिख लीजिए आप मित्रता, दोस्ती, है ना। फिर अनुशासन, ये अपने तरफ से मैं गेस कर रहा हूं। और दसवां लिख लीजिए त्योहार, त्योहार मतलब जैसे बताता हूं त्योहार, देखिए त्योहार का मतलब अगर कोई आप हिंदू स्टूडेंट हो, आपका हिंदू धर्म है, या तो गौधुली हिंदी जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चा गौधुली हिंदी दे रहे हैं, समझे अक्सर तो संस्कृत वाले बच्चे होते हैं, तो जो गौधुली हिंदी दे रहे हैं उसका त्यौहार में आपको होली, दीपावली, सरस्वती पूजा ये सब पूछता है, ठीक है ना। और कोई अगर मुस्लिम बच्चे, उर्दू वाले कोई बच्चे देख रहे हैं, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद और भी देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, नॉलेज तो मिलेगा ना आपके पास, जितना सारा वर्ड का भंडार होगा ना, तब आप एकदम धारा प्रवाह बोल पाओगे, अच्छी तरीके से लिख पाओगे, एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से रहा आपका गेस को, मतलब गेस है ये, इतना कम से कम पहले कंप्लीट कर लो, और सबको लिखो, तुम सबको लिखो कॉपी में, सबको लिखो एक करके, किताब में पहले पढ़ लो, गाइड में पढ़ लो, उसके बाद एक्सप्लेन करो। आई थिंक आपको समझ आ गया मुहावरा कैसे लिखना है। तो चलो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, इनमें से कोई एक उठाना और मेरे को 8210422300 इस पे आप लिख करके, किसी भी एक कर को, एक को इसी पैटर्न पे, इसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग बना करके मेरे को मैसेज करना, या तो फिर अगर मैसेज नहीं करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस सर मैंने लिख लिया, मेरे को संतुष्टि मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी, आपका लिखने का तरीका जो मैंने बताया कैसे लगा, बहुत बेस्ट तरीका है। आप लिखिए नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, अरे 9 नंबर में तो 8 नंबर मिलेगा, क्या दिक्कत है, आएगा तो नंबर, बढ़ेगा तो नंबर, है ना। सो थोड़ा सा इफर्ट लगाओ, नंबर अच्छा आने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, नीचे कमेंट करना, और पहली बार अगर आप लोग तशरीफ ला रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।